एक तरफ देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट द्वारा खाप पंचायतों के फरमानों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए हुए हैं ताकि कोई भी पंचायत भारतीय संविधान या कानून के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित ना कर सके। वहीं इसके विपरीत दोराहा के गांव चनकोइया खुर्द की पंचायत एवं गांववासियों ने सर्वसम्मति से संविधान विरोधी तुगलकी फरमान जारी किया है। इसी के साथ साथ समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया है। पिंड दे विच जो ये लव मैरिज हो रही है, पिंड दे मुंडे ने पिंड दी कुड़ी दे नाले कराया हुए है, ठीक है कि नहीं, ओदे नाल भी गाहाली आने वाली पीढ़ी ते भी ओदा उल्ट प्रभाव पै रहे है। देखो वह आंढ़ गुआंढ च सके घर ने बिल्कुल आपस में ही सकिया वगू वरतते हैं वो, जे असी ना वो स्टैंड लेंदे तो कुड़ी का दादा साढ़े को उस दिन सुबह सजरे आया, वो कहना सी भी मैं आपदे आप को मिट्टी का तेल पा के अग ला लूँगा, भी जे तुसी कोई ये स्टैंड नहीं लेंदे भी उन्होंने इतों नहीं तोड़ते। असी सिर्फ पिंड की भलाई वास्ते ये सोचे भी चलो एक मता पाने असी मता पा के उन्होंने भी सिर्फ 10-15-20 दिन पिंडों बाहर रहन, चलो माहौल वो शांत हो जाएगा, वो माहौल पिंड का खराब हो रहा है, ठीक है कि नहीं, वो ना कुड़ी का हुण दादा साढ़े को आया उस दिन वो रोंदा सी, वो कहिंदा भी जे तुसी इन्हां नहीं तोड़दे इत्थों तां मैं उन्हां दे दरां कोल जाके मिट्टी का तेल पा के आपदे आप नूं अग ला लूँगा। वासियां दा मता जी, समूह क्लबां दा, गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा ते पिंड वासियां दा। पंजवें एक्सीडेंट इस तों पहलां भी होए हुए ने, एक बेड़े दे विच्चों ही उह कुछ इधर अहमदगढ़ वाल पिंड आ, कोई तकड़े घर दी कुड़ी आ, मतलब उहदे दो बच्चे ने, उह भी ब्याह के लियाया सी, उह भी परसों चौथे उहनां नूं मतलब वापस लै गए उह आपदा, वो कुड़ी के दो लड़के सीगे मतलब जिहड़ी आई सी उरे जिहनूं कढ के लैके आया सीगा, वो वापस लै गई उन्होंने, बाकी देखो उन्होंने की फैसला आउंदा की नहीं, ये नहीं पता भी उहदी कोर्ट मैरिज इहदे नाल होई सी जां नहीं होई सी। करा सकते ने वो कोर्ट कहिंदी असीं कोर्ट के बरखिलाफ़ नहीं हैगे, असीं नहीं कहिंदे वी असीं कानून नहीं कोई तोड़िया, असीं तां सिर्फ एक पिंड की भलाई लई इह काम करे आ वी कितें पिंड दे विच इहदे नाल उल्ट प्रभाव ना पै जावे, असीं तां सिर्फ गाहां जिहड़ी आउण वाली पीढ़ी असीं उहनूं सचेत करदे हां माड़ा मोटा उहनां दे विच डर रखो। देखो एक मापा आपदे बच्चे नूं ठीक है 18-20 साल पालदा कि उन्हों का कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ 2 महीने का उन्होंने प्यार रह जाता, वो 2 महीने के प्यार के बच्चे उन्होंने लव मैरिज हो जाती है, वो जिन्हें माँ बाप ने 18-20 साल उन्होंने पाल के बड़ा कराया पढ़ाया लिखाया कि उन्होंने कोई प्यार नहीं है। वो जेकर कोई लव मैरिज करा बिल्कुल बरख बिल्कुल नहीं जाऊगा, बिल्कुल नाल खड़ूगा, अरेंज मैरिज करा सू कोई वो नहीं है। जहां गांववासी इसे गांव की बेहतरी के लिए उठाया हुआ कदम बता रहे हैं, वहीं हलका विधायक इसे गांववासियों का निजी मामला बता रहे हैं और कानून से विपरीत ना जाने की नसीहत भी दे रहे हैं। ये जानकारी मिली आ चनकोइया खुर्द च के मैटर आया भी कुड़ी किसी होर कास्ट दी, मुंडा किसी होर कास्ट, उन्होंने लव मैरिज करवाई आ, पर साढ़े देश अंदर जिहड़ा साडा संविधान आ कानून वो अलाउ करता भी हर देश का वो नागरिक जिहदी उम्र 18 साल तो 21 साल की बालग आ स्वतंत्रता आपदा कोई भी काम करन लई, पर जिहड़ा पंजाब का माहौल आ पंजाब का कल्चर आनू देख के पिंड वालिया ने जिहड़ा फैसला किया उन्होंने अपने पद्धर ते किया, कोई सरकारी रिकॉर्ड च नहीं हैगा, कोई उहदा सरकारी मता नहीं, जो मैं संबंधित महकमे के अधिकारियों नाल गल कीती आ ते पंजाब अंदर इहो जिहा माहौल नहीं होना चाहिए, तो पंजाब दी जो लोकां दी आस उम्मीद हुंदी अपने पेरेंट्स दी बच्चियां ते हुंदी आ, बच्चे की करदे ने की चाहुंदे ने सानू अज दे माहौल नाल उहनां दे नाल चलना पैंदा, पर जिहड़ी भी लव मैरिज दी गल आ इह पूरे देश अंदर ट्रेंड चल रहा, जो भी कानून अलाउ करदा कि लव मैरिज बाय कोर्ट होके आउंदी आ उह कानून बैठा वा देखण लई, सोशल बाइकाट दी गल आ जां किसे भी किस्म दी गल आ, कानून ने अपना काम करना ते लोगों भी समझ आनी चाहिए, भारत अंदर कानून का सत्कार हर एक नागरिक करता, जरूर मैं भी संबंधित अधिकारियों तो पुलिस मुलाजमान पुलिस अफसर ना गल करूँगा भी जे कोई भी गड़बड़ होंगी है तो उसे जरूर निगाह रखी जाए, तो अजिहे जिहड़े काम ने बड़े सेंसिटिव होंगे ने उन्होंने बड़ा ध्यान देख के भी कोई माहौल ना खराब हो उस तरीके हैंडल करना बनता। तो मैं भी बता दें कि गांव में एक लड़का लड़की ने लव मैरिज कर ली थी जिससे उनके गांव में आने पर विवाद खड़ा हो गया, जिस पर गांव के अधिकारित पंच हाकम सिंह जो कि सरपंच का कार्यभार देख रहे हैं सहित गांव के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान, पूर्व सरपंच, क्लब प्रधान और गणमान्य लोग 29 अप्रैल को गुरुद्वारा साहिब में इकट्ठे हुए। सभी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी मर्जी से शादी करेगा उसका गांव की तरफ से सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया जाएगा। ਜਲਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੂਥ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਹਿਮਤ,
सारे पिंड ने फैसला लिया भी बहुत वधिया गल, सारे सहमत भी ने सर गाह यूथ नूं वधिया एडमिशन मिलदी हुण पिंड च होया इह काम कोई चंगी गल तां है नहीं, आपां आपदे दिल ते रख के हत्थ देखिए भी चंगी गल हो गई अपनी धी नाल दे घरे वसे सही गल तां नहीं हैगी जी। साडे गौरमेंट ये हाई कोर्ट ने हुक्म दिता है भी लव मैरिज जरूरी है, परंतु ये थोड़ा लव मैरिज जरूरी है भी जिन्होंने 20 साल पाली या 19 साल पाली बच्ची वो 2 दिनों के आपके आसक नाल लव मैरिज करा के चले जाए, मापियां ते की गुजरती है, मापियां दे हिरदे कदे देखे ने किसी ने फलोरे हैं, हाई कोर्ट ने तो हुक्म दे दिता पर कदे मापियां दे दिल बारे देखिया, कदे मापियां बारे सोचिया भी उन्हां दे मन विच की भावना सी, कि उन्हां दे बच्चों ने लाड लाने की कोई शौक नहीं, कि उन्होंने बच्चों ने उन्होंने मन में ही नहीं भी असं बच्चे चावान ब्याह करिए, असी इस न सहमत हाँ पंचायत ना ते आप मैं खुद इस न पूरा फुल सहमत हाँ, क्योंकि जो भी होया ये ठीक होया, असी भाईचारे रहना है जे साडे भाईचारे प्यार